बंगाली समुदाय की ओर से मंगलवार को परंपरागत ढंग से मां विपदतारिणी की पूजा अर्चना की गई। विपदतारिणी पूजा शहर व आसपास के इलाकों में कई घरों व सार्वजनिक रूप से हुआ। इस दौरान महिलाओं ने विपदतारिणी का व्रत रखा। व्रत रखी महिलाओं ने बताया कि परिवार व देश दुनिया की मंगल कामना के लिए माँ दुर्गा के विपदतारिणी रूप की भक्त पूजा करते हैं। पूजा के दौरान 13 प्रकार की मिठाइयां व 13 प्रकार के पकवानों से मां विपदतारिणी का भोग चढ़ाया जाता है। विपदतारिणी पूजा को लेकर बंगाली समुदायों में काफी उत्साह देखा गया। लोहरदगा झारखंड में हमारे सिद्धि दुर्गा मंदिर, जो हम सभी महिलाएं यहां आकर के विपदतारिणी पूजा, जो लोहरदगा में सब बंगालियों लोगों का, हम लोगों का एक विशेष पर्व होता है, जो अपने बच्चों को कल्याण के लिए और आशीर्वाद उन्नति हो, आगे बढ़े, हर विपद को दूर करने के लिए ये विपद तारिणी पूजा जो होता है, और हम लोग इसको अच्छे तरह से मनाते हैं और अपने बाल बच्चों का कल्याण करिए, विपद को ताड़ने के लिए ये पूजा दुर्गा जी के सामने हम लोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग सभी सिंदूर खेला जो होता है, वो सिंदूर खेला हम सब महिलाएँ यहाँ पर बहुत अच्छे अपना सौभाग्य के लिए खेलते हैं। धन्यवाद। विपदतारिणी पूजा हम लोग अपने परिवार की सुखी, बाल बच्चा सब बड़े के लिए करते हैं, ताकि हमारे परिवार को माँ दुर्गा, माँ विपदतारिणी सबको अच्छा से रखे, सब खुशी से रखे, कोई बाधा ना आए, कोई कष्ट ना आए। इसीलिए हम लोग सब आज के दिन माँ विपदतारिणी की पूजा करते हैं, सब मिलजुल के, अगल बगल की सारी महिलाएं सब मिलजुल कर सब भोग बनाते हैं, सब प्रसाद सजा के थाली में 13 प्रकार के सब सजा के उसके बाद माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं। उसके बाद भोग वितरण किया जाता है, हम लोग कथा सुनते हैं माँ विपदतारिणी की। कथा सुनने के बाद, पूजा संपन्न होने के बाद, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।